ये सुखद तस्वीर दिखाने से पहले हम हमारे तमाम दर्शकों का धन्यवाद करेंगे। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी उमेद बैराणी, आप जुड़े हैं अशोक सेरा फेसबुक पेज से। साथियों, इस वक्त आपकी मोबाइल स्क्रीन पर जो सुखद तस्वीर नजर आ रही है, 65 वर्षीय बुजुर्ग अमरा राम जो कि कुछ दिनों पहले अपने घर से लापता हो गए थे, उनको ढूंढने के लिए हमने आपसे एक अपील की थी वीडियो के माध्यम से। उस वीडियो को आपने खूब शेयर किया और तीसरे ही दिन आपने बुजुर्ग अमरा राम को उनके घर तक पहुंचा दिया। साथियों, जब भी हमने आपसे अशोक सेरा फेसबुक पेज के माध्यम से कोई भी अपील की है तो आपने खूब उस वीडियो को शेयर किया है। जब भी हमने आपसे अपील की है कि किसी बेटे को पिता से मिलाने की या किसी व्यक्ति को अपने उसके घर तक पहुंचाने की, जो व्यक्ति अपने घर से लापता हो जाते हैं, कभी बच्चे लापता हो जाते हैं तो कभी बुजुर्ग व्यक्ति जो इस वक्त आपकी मोबाइल स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, 65 वर्षीय अमरा राम पिछले कुछ दिनों से अपने घर से लापता हो गए थे, तो उनके जो बेटे हैं, उनके भाई हैं, वो हमारे पास पहुँचे तो हमने आपसे वीडियो के माध्यम से अपील की थी और वीडियो को आपने खूब शेयर किया था, जिसकी वजह से अमरा राम तीसरे ही दिन अपने घर पहुँच गए। और ये सुखद तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। आप सब के सहयोग की वजह से ही अमरा राम, जो 65 वर्षीय अमरा राम है, वो अपने घर सकुशल अपने घर पहुँचे हैं। और जब हमने इस वीडियो को बनाया था, आपसे अपील की थी, तब अमरा राम के जो बेटे थे उनके आंखों में आंसू आ रहे थे कि कैसे भी करके मुझे मेरे पिता तक पहुंचा दीजिएगा और मेरे पिता जैसे मिल जाएंगे तो मुझे खुशी होगी। तो हम जो खुशी के, जो आज भी जो खुशी के आंसू आए हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम हमारे तमाम दर्शकों का एक बार शुक्रिया अदा करेंगे। जब भी हमने इस तरह की कोई वीडियो आप तक पहुँचाए हैं तो आपने उस वीडियो को खूब शेयर किया और उनके परिवारों तक, वापस उन व्यक्तियों को उनके परिवारों तक पहुंचाया, उनके माता पिता तक पहुंचाया, उनके भाई बहनों तक पहुंचाने में आप सब ने बहुत 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 ज़्यादा सहयोग किया है वीडियो शेयर करके। इसके लिए हम हमारे तमाम दर्शकों का शुक्रिया अदा करेंगे। तो ये सुखद तस्वीर इस वक्त की आप देख पा रहे थे, 65 वर्षीय बुजुर्ग अमरा राम जो है वो सकुशल अपने घर पहुँच गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मेरा पिताजी, मैं बिछड़ने का हूँ, मेरा पिताजी मिल गया है और फतेहगढ़ में मिला, छोड़िया गांव में। और मैं अशोक सेरा के मीडिया के हिसाब से बोला था, उसके हिसाब से मिल गया मेरे, एक दिन बाद मेरे को मिल गया। उसने वीडियो देख के फ़ोन किया मेरे को कि यहाँ पर बैठा है, आप फतेहगढ़ आके लिख के जाओ। बाद में मेरे पिताजी को एक दिन बाद में लेके आया, मैं खुद लेके आया हूँ। आप लोगों का जो बहुत शुक्रिया, धन्यवाद है जो मेरे पिताजी को मदद की है, ठीक है ना, आप सहयोग किया, बहुत बहुत शुक्रिया सब लोगों का। आप लोगों का प्यार है, हमारे बहुत खुशी हो रही है, मेरे पिताजी मिल गया है, मैं बहुत खुशी हूँ, बहुत बहुत, ठीक है ना। पहले मैं बहुत दुखी रहता था, पूरा परिवार बहुत दुखी रहता था। मैंने बहुत पिताजी को शुक्रिया गले लगाया, आप मिल गए हो मेरे को, मेरे को अच्छा लगा बहुत बहुत, ठीक है ना, मेरे बहुत खुशी है। हमारा नाम दीवारा में, हमारा भाई है, गुम हो गया 15-20 दिन हुए आज, मतलब आज काल मैंने हमारे सर आयो यहाँ पे मिलिया, मैंने जैसलमेर, मतलब कि हमारा भाई ने हमारी भुजाई कूटा और हमारे भतीजे उसने कूटा, और एक गोवर्धन नाम के इसका सगा है, इसने इसको सिखा के कुटाया, कुटा के भगा दिया इसको। आपको धन्यवाद है, आपको वीडियो चढ़ाया तो हमको मिल गया, हमारे को बहुत खुशी है। अब जो आगे बैठ के फैसला करेंगे, जो होएगा वो करेंगे। अब मतलब जैसलमेर के पास मिला था, वहाँ पे ठकरा की डाणी वहाँ मजदूरी करते थे, मतलब निनौन करे खेत में, मतलब मजदूरी करे, क्या करे, अब मजदूरी से बिल्कुल कम ही, वापस तो क्या, वे तो लुक गया, मैं वापस चलेंगे नहीं, चलेंगे नहीं, मतलब। लेकिन हम पता लग गया, हम वहाँ गए तो माडी जाल के लेके आया, मैं चलता नहीं हूँ, चलता नहीं, मैं क्यों नहीं चले, हालो घरे तुम्हारा समझौते करेंगे, ये उसको छोरा को पालेंगे, मतलब इसको रोटी दो, खर्चा दो,
नहीं देंगे तो हम आरोप लगाएंगे वीजा। इसलिए घर पर बहुत साल होगी लड़ाई झगड़ा हुआ, फिर उधर गया बाहर निकल गया और गया वहाँ फतेहगढ़ बेरे में तो बैठा तो वहाँ पहाड़ है वो पहाड़े पहाड़े फोन आया गए वो फलाने ठिकाने बैठा है आ जाओ गए दे जाओ घर वाले कहे आ जाओ मैं थाने ले जाना हो पासा आ जाओ पासा। गया तो कोई लड़ाई झगड़ा हुआ फिर रेस के गया अपरा मारवाड़ी टेको तो रीन के वास्ते झगड़ा या पूछो कण तने के वास्ते जो हम भी डड़ी रहे थे मन बेटो मिल गई मने बेटा मिल गया फिर आ गया पासा बहुत खुशी होया।